तो लो भाई, इसी के साथ हमारे प्यारे जूते हो गए चोरी। अभी चल बिना शूज के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका भाई आ चुका है तिरुपति बालाजी में के तिरुपति के दर्शन करने के लिए और यहाँ का प्रसाद खाने के लिए। आणि सगळ्यात आधी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला। आणि बस हा एक रूम घेतलेला आहे, सॉरी एक रूम लिया है और यहाँ पे बस आधा एक घंटे के लिए, क्योंकि नहा के डायरेक्ट दर्शन करने के लिए जाने रहना तो है नहीं आज यहाँ पे। लेट्स गो, चलते हैं नहाने अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिरुपति स्टेशन। और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा स्वागत हुआ है तिरुपति में। बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने सुना था यहाँ पर लोग हिंदी नहीं बोलते, लेकिन मैं अगर रिस्पॉन्स करूँ हिंदी में तो लोग बोल पाते हैं हिंदी। तो यहाँ से तिरुपति मंदिर के लिए फ्री में बस सेवाएँ वो ढूंढनी है हमें, और ओड उनके फिर चलते तिरुपति मंदिर में। तो दोस्तों मैंने अभी एक से पूछा, यहाँ से फ्री में बस जाती है ना तिरुपति के लिए, मैंने सुना था ऐसा, इसीलिए मैंने पूछा, ऑनेस्टली पूछा। लेकिन मुझे नहीं पता था वो टैक्सी वाला था, तो वो बोला नहीं नहीं फ्री में नहीं जाती, बस यहाँ सिर्फ यही जाती है। सॉरी। अच्छा लग रहा है यहाँ का, लेकिन मन एकदम शांत प्रसन्न हो रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पर एक टोल नाका है, चेक पॉइंट है, तो यहाँ पर सभी लोगों की बैग की और उनकी चेकिंग होने वाली है। अच्छा है, सेफ्टी भी है। तो दोस्तों आ चुके हैं तिरुपति तिरुमाला। बहुत ही सुंदर क्लाइमेट है, और तिरुपति आने का सपना कब से आया पता है क्या? मेरे पापा फर्स्ट टाइम गए थे तिरुपति, नहीं पहली बार मेरा भाई गया था, उसके बाद मेरे पापा गए थे, और तभी से मैंने सोचा था कि एक बार तिरुपति ज़रूर जाऊंगा और वहां का प्रसाद खाऊंगा।
तो तब से लेकर आज तक वो सपना था और आज पूरा हो रहा है। वाओ। तो दोस्तों यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हो तो आप मेरे जैसे ऐसे पैदल पैदल निकल जाओ इस रास्ते से, और अगर 300 रुपये दे के दर्शन करना चाहते हो वहाँ से डायरेक्ट लाइन है तो इजीली हार्डली 10-15 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम 300 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम चल के यहाँ से ही जाएंगे। कुछ भी बोलो दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई इतनी है ना, क्या क्लीन रोड है, वाव बहुत सही है। तो दोस्तों बहुत लंबा चक्कर काट के आया हूँ मैं, इस जो बाहर का रास्ता है उस रास्ते से मैं आगे जाते रहा, लेकिन वहाँ पर भी स्पेशल दर्शन वालों की ही लाइनें लाइक डायरेक्ट अंदर जाने दे रहे, और हमें ही इस लाइन से जाना था। मुझे पहले तो ये गेट दिखा था, लेकिन मैं सोचा सभी वहाँ से जा रहे तो मैं भी वहीं से जाता हूँ, लेकिन वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। चलो कोई नहीं, यहाँ के लोग सच में बहुत ही केयरफुल लोग हैं। लाइक अभी मेरा पैर थोड़ा सा दुख रहा था तो मैं जैसे तो थोड़ा सा मार रहा था अपने पैर को, तो 2-3 लोगों ने पूछा बे क्या हो गया, दुख रहा है क्या? मैंने बोला हाँ 2-3 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं चल लेगा, हो जाएगा। मतलब इतने केयरफुल लोग है यार यहाँ पे, बहुत बढ़िया लोग। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बट रहा था उपमा, तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है, अभी इसको खाते हैं फिर आगे चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी देखो कितने बजे, 2:40 हुए। जस्ट अभी अभी तिरुपति मंदिर से बाहर आया हूँ दर्शन करके, मोबाइल कलेक्ट किए, देखा तो घर वालों के दोस्तों के ढेर सारे मैसेज और कॉल थे, तो अभी कल सुबह उनको मैं रिप्लाई दूंगा, लेकिन उससे पहले चलते कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। बारिश हो रही है दोस्तों यहाँ पर कब से, और ठंड इतनी पड़ी है और मैं स्वेटर भी नहीं लाया हूँ। ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है। तो लो भाई इसी के साथ हमारे प्यारे जूते हो गए चोरी, अभी चल बिना शूज के हम चल के जा रहे हैं, अभी क्या करें, जिस जूतों ने हमें आज तक सपोर्ट किया, आज तक साथ दिया, वो चोरी हो चुके हैं। सच में दोस्तों जूते के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे मेरे पास एक तो बजट कम है और नए जूते में फालतू जूते कोई भी ले नहीं सकता। मेरे पास एक कहने के लिए चप्पल है, वो भी स्टेशन पर है, अभी बिना जूते चप्पल के मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, साला हजम ना उसे गिर के जान दो, अभी क्या बोले, गए तो गए, छोड़ो चलते हैं अभी बस स्टैंड और यहाँ की स्टोरी बता दो थोड़ी देर में। तो देखो दोस्तों तिरुपति की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सुबह सुबह मेरा प्लान था
कि मैं बहुत जल्दी जाऊंगा सुबह सुबह दर्शन करने के लिए, तो मैं वैसे किया भी। 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंची, मैं 7 बजे तक रेडी होके बस में बैठ गया, 8-9 बजे तक तिरुपति पहुंच गया बालाजी। और फिर वहां मैं फटाफट शूज़ वगैरह निकाल के लाइन में भी लग गया था, लाइन में लग गया। एक दो घंटे में मैं अंदर हॉल में पहुँच गया। और मुझे उसके पहले मैंने मोबाइल वगैरह सब छोड़ दिए थे बाहर ही, क्योंकि अंदर मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते। तो मुझे ये नहीं पता था कि हमें दर्शन के लिए 12 से 14 घंटे लगने वाले हैं, तो इसलिए मैंने घर पे फ़ोन करके बोला नहीं था कि मेरा फ़ोन अभी बंद रहेगा। तो ये प्रॉब्लम एक फर्स्ट हुआ। उसके बाद हॉल में गए, हमें बिना मोबाइल के ऐसे ही 14 घंटे तक, मतलब हम सुबह 10 बजे गए थे हॉल में, और उसके बाद टोटल हमें रात के 2 बजे हमारे दर्शन हुए। मतलब टोटल 14 आवर्स हम मंदिर वो हॉल में थे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, उन्होंने 2-3 टाइम हमें समर राइस था, उपमा था, 1-2-3 बार दिया। और मतलब अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ तो नहीं हुई कुछ, लेकिन मोबाइल नहीं था इसलिए। फिर मैं एक बार बाहर आया, किसी और का फ़ोन लिया, उनके फ़ोन से कॉल किया मम्मी घर पे, भाई ये मेरा फ़ोन लगेगा नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर भी हुई, और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा शूज़ था। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पर हुई तिरुपति में, जो हमारे प्यारे शूज़ थे, उन्होंने हमें अलविदा बोल दिया है। टूटे नहीं कुछ नहीं, चोरी हो गए। जी हाँ, मैंने स्टैंड पे रखे थे, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा ना, स्टैंड पे कोई नहीं है, टोकन नहीं, कुछ नहीं, रखो और जाओ। मुझे लगा क्या ही अभी इतने लोगों ने रखे तो क्या चोरी होगी, तो मैंने भी रख दिए, लेकिन कोई उसे चुरा कर लेके गया। हालांकि उसके ज़्यादा दिन तक बचे के नहीं, क्योंकि बहुत प्यारे शूज़ थे हमारे। तो बस यही थी कुछ स्टोरी। तो तिरुपति का ब्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना अपना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।